हेलो गाइस, आज मैं PP1 के बच्चों के लिए दो अक्षर वाले शब्द लेकर आई हूँ, है ना। जब बच्चे सिंगल अक्षर लिखते हैं तो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, जैसे ज से जहाज, चा से चाबी, बा से बता, ला से लड्डू, रा से रस्सी। लेकिन जब दो अक्षर को कनेक्ट करके हमको पढ़ाते हैं बच्चों को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाएं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे कि ला, एक ही मतलब स्वर वाले ही पढ़ना है आपको। जैसे ला, तो ना, ला, नल, हा, ला, हल, फा, ला, फल, जा, ला, जल, चा, ला, चल, बा, ला, बल। ऐसे राक्षर में आ जाएंगे हम तो पढ़ेंगे घ, र, घर, क, र, कर, ड, र, डर, भा, र, भर। ना, त, ना, तन, व, ना, वन, ज, ना, जन, घ, र, सॉरी घ, ना, घन। ख, र, ख, रख, च, ख, चक, ल, ख, लख। साक्ष, व, श, बस, न, स, नस, ट, स, टस, ल, स, लस, ख, स, खस। नेक्स्ट, बा, ज, ब, जब, ट, ब, टब, क, ब, कब, आ, ब, अब। ज, ग, ज, गज, भ, ज, भज, र, श, ज, सज, र, ज, रज। प, क, प, कप, ज, प, जप, ट, प, टप, ला, प, लप। ठीक है, इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और उनको पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ओके।